मतलब है कि गुस्सा इंसान के अंदर एक खूबी भी है और खामी भी है। इसी तरह बुख्ल है, ये बुख्ल आपकी जात के एतबार से न अच्छा है न बुरा है। अगर वो एक हद में है तो बुख्ल भी अच्छी चीज है और अगर हद से बढ़कर है तो बुख्ल ही बुरी चीज है। मिसाल के तौर पर एक आदमी वकील है, लेकिन बुख्ल इस वजह से है कि अगर वो सहाबत के दरवाजे खोल गए तो खुद उसकी जरूरत भी और उसकी माता की जरूरत का माल भी उसके पास काफी न रहे और आज देने वाला बनकर वही मांगने वाला बन जाए तो ये बुख्ल अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर बुख्ल इसलिए करता है कि इस बुख्ल में उसके ऊपर अपना जो नफा है, अपने मातहतों का हयात का जो नफा है, उस नफे की हिफाजत कर सके और अपने अहलो आयाल के नफे को अदा कर सके तो ये बुख्ल बुरा नहीं है। हम इसकी ये तफसील है कि बाद मतलब आदमी बुख्ल करता है और ऐसा बुख्ल करता है कि इस बुख्ल की वजह से ना अपनी दाद पर पूरे पूरा खर्च करता है, ना अपने माता बीवी बच्चों का खर्च करता है, ना अपने भाई बहनों और अपने वालिदैन पर खर्च करता है। ये बुख्ल अच्छी चीज नहीं है। और कभी बुख्ल का हाल ये होता है कि बुख्ल की वजह से आदमी खूब माल जमा करता है और खर्च नहीं करता है और जमा करने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको ये तमीज नहीं रहती कि मैं हलाल तरीके से इसको कमा रहा हूँ या हराम तरीके से कमा रहा हूँ। वकील है, बस वो चाहता है कि किसी तरीके से माल बढ़े और इतना बढ़े कि हराम हलाल की तमीज उससे खत्म हो जाए। तो ये बुख्ल की राजनीति हराम है। दूसरा दर्जा ये है बुख्ल का, आदमी बुख्ल तो करता है लेकिन अपने घर वालों पर अपने आयोजन पर खर्च भी करता है, लेकिन बुख्ल की वजह से जो कमाने में करता है तो सारा आदमी ही कमाता है। अलबत्ता ईदे हवाले निकालता है, ताबीर करता है, इसको अगर ऐसा किया जाए तो आला है, ऐसा किया जाए तो आराम है, यूं किया जाए तो आला है। लेकिन जिन बोकर में अपने घर वालों पर
ऐसी तरकीब करें कि उनका काम न किया गुरुओं के खिलाफ में ना जाए कहीं। लेकिन मेरे भाई कसम बात ये वो होगा जिसके अंदर आदमी अपनी धार पर अपने आगवाया पर तरकी करता है वो बोला अच्छी चीज नहीं है। बल्कि अल्लाह ने जितनी वसात की है इस वसात का इजहार करेगा। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने किसी आदमी को माल दौलत दिए वो माल दौलत खाने में पीने में पहनने में रहने में अगर खुदूद में रहती को उसका इजहार करे तो अल्लाह ताला इसको पसंद करवाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो नहमतें दी हैं वो इस नहमत का इजहार करता है तो ये पसंदीदा है। एक आदमी बहुत मानदार है अच्छी तरीके से खा भी सकता है पहन सकता है इसके बावजूद भी जान बूझकर ऐसे कपड़े पहनता है जो कड़े हुए हैं जान बूझकर ऐसे कपड़े पहनता है जो प्योर बने हुए हैं तो ये चीज पसंदीदा नहीं है। ये तो गोया कि अपनी मोहब्बत को कंजूसी को छुपाना चाहता है तो खुद इस तरह गरीब और बिल्कुल कंजूस की तरह रहता है कि तो उसके पास आए नहीं। ये चीज भी पसंदीदा नहीं बल्कि पसंदीदा है कि अल्लाह ने जो नियामत दी है इस नियामत में फकर न हो रियाकारी न हो लोगों को चलाना ना हो और अल्लाह की नियामत का इजहार हो अपने वजन पर भी अपने खाने पीने पर भी अपने दोस्त अहबाब पर भी अपने घर वालों पर भी ये पसंदीदा है। इसके साथ साथ ये फरमाया जाता है कि हजरात अकाबिर और मशाइख जब इन बुराइयों का इलाज करते हैं तो इलाज में एक तरीका ही होता है जैसे शहवत रानी आदमी के अंदर शहवत है वो उसका इस्तेमाल करता है। शहवत अपनी जगह इसको इस्तेमाल करना अपनी जगह ना अच्छा है ना बुरा है। अगर शहवत को गलत जगह पर इस्तेमाल करता है तो ये बहुत बुरी चीज है। आंखों की शहवत को बदनदी के तरीके से पूरी करता है बदन की शहवत को जीना के तरीके से पूरा करता है। लेकिन अगर इसी शहवत को हुदूद में रहते हुए गुनाहों से बचते हुए अपने महल में इस्तेमाल करे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शहवत ऐसी चीज है जिस पर काबू पाना मुश्किल होता है जैसे बुख्ल ऐसी चीज है गुस्सा ऐसी चीज है जिस पर खुद काबू पाना मुश्किल होता है हर बुरे काम का तकाज़ा है और मजबूती से उन पर जम गया कि मुझे ये काम नहीं करना है। ये तो है मुजाहदा। शुरू शुरू में ये बहुत कठिन होता है लेकिन जो आदमी करता रहता है फिर इसका आदि हो जाता है फिर ये कठिन काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। एक आदमी बेचारा नमाज का पालन नहीं है अल्लाह के बंदों ने दावत तरकीब के साथ में उस पर मेहनत की अल्लाह ने उसको हिदायत दी अब वो कोशिश करता है कि रोजाना का पान हो कभी बंद नमाज हो कभी बेचारे की तरबीर उड़ा जाती है कभी सरत उड़ा जाती है कभी जमात जाती है लेकिन वो पालन नहीं करता रहता है तो शुरू में उसको बहुत मशक्कत होती है बहुत बुरा अदा होता है लेकिन बाद में जब करता रहता है तो ये मशक्कत कम हो जाती है थोड़ी तवज्जो से वो नमाज को पूरा कर लेता है पांचों नमाज को तकबीर वगैरह के साथ पढ़ लेता है। तो जब भी कोई बुरा तकाज़ा है उस बुरे तकाज़ों को पुख्ता इरादे के साथ फौरी तौर पर छोड़ना ये तो मुजाहदा है और इसके लिए मशक करते रहना लगे रहना इसको कहते हैं रियादत। मुजाहदे से क्या होता है उस बुराई से आदमी बचता है और रियादत से क्या होता है देखो मुजाहदे से बचने के बावजूद उसकी आरज़ू और तमन्ना की सब अदर नहीं होती। नफ्स तो चाहता है कि नमाज को छोड़े नमाज़ भी औलाद को छोड़े सबके औलाद को छोड़े फुला नहीं काम को छोड़े ये करता रहता है घुटता रहता है और इसी तरीके से मशक्कत को बर्दाश्त करता रहता है यहाँ तक कि उसकी आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है तो पहले हाल ये थे कि पांच नमाज पढ़ना बहुत दुश्वार था अब थोड़ी मेहनत करता है थोड़ी कोशिश करता है तो पांच नमाज पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। ये जो है बार बार मेहनत की बार बार तकाजा किया बार बार अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा बार बार इस चीज का एहतमाम किया अब थोड़ी तवज्जो करने के साथ काम को करना आसान हो गया इसको कहते हैं रियादत। इसी तरह किसी आदमी के दिल में ख्वाहिशात है अब ख्वाहिशात को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक मतलब आदमी बदन भी करता है उसको लुत्फ आता है फिर बदन भी करता है और लुत्फ आता है फिर
चयन नहीं होता है। लेकिन फिर वो घंटा उजाला शुरू करता है, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देता है और कहता है कि इस बीमारी में उतना मेरा इलाज की। अब वो कहता है, इलाज बताता है कि देखो मेरे भाई, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत उसने बहुत इससे बचना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये होता रहा करो कि मेरा इससे नाराज है, इससे राजी नहीं होता है। फिर इस तरीके से मेरी बहू बढ़ गया है, अगर कोई शहवत की नजर उससे देखे तो गुस्सा आएगा, मेरी नजर किसी पर पड़ेगी वो भी मेरी किसी की बहू बेटी मानेगी। अगर इस तरीके से तैयार करेगा और इस तैयार करने के बाद फिर जब वो बाजारों में जाएगा तो बाजारों में इसमें बचने जाए तो मांग करेगा, लेकिन ऐसा होगा दो मरतबा बचेगा, तीसरी मरतबा उतरा हो जाएगा, तीन मरतबा बचेगा, चौथी मरतबा उतरा हो जाएगा। शरीयत में कि आदमी पेट भरकर खाना खा सकता है, आदमी इसी तरीके से पेट भरकर पीना पी सकता है, आदमी दिल चाहे सो सकता है। फिर मशाय क्यों फरमाते हैं कि खाना कम करो, पीना कम करो और इसी तरह सोना कम करो। हजरत ने बड़ी अजीब बात बताई, हजरत ने कहा एक कागज ले आओ, कागज ले आए, कहा इस कागज का रोल बनाओ, उस कागज का रोल बनाया, फिर कहा इस रोल को फोड़ दो। अब बोला तो कागज फिर वापस हो जाता है, सीधा आता है, फिर बना इसको सीधा किया फिर हो गया, फिर सीधा किया फिर हो गया, कहा इसको सीधा करने का क्या तरीका है, कहाँ बदल, कहा इसको सीधा करने का तरीका है जिस तरफ मोड़ा है उसकी उल्टी तरफ उसको मोड़ दो, दो तीन मिनट का उल्टी तरफ मोड़ा वो सीधा हो गया। कहा कि तो नफ्सर भी ऐसा है, जब कोई गुनाह करता रहता है तो गुनाह करने के बाद उसका मैदान जिस तरह का कागज को मोड़ा है वो एक तरफ क्या है, उसकी तरफ होने के लिए तैयारी नफ्स भी इसी तरीके से एक तरफ माइल होता रहता है और ख्वाहिशात की तरफ बढ़ता रहता है। इस ख्वाहिशात से रोकने के लिए उसको एतदाल बढ़ाने के लिए, सही नहज बढ़ाने के लिए उसको दूसरी तरफ मोड़ा रहता है। वो दूसरी तरफ क्या, उसको कहा जाता है खाना कम करो, पीना कम करो, सोना कम करो, ये एतदाल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था, लोग मजबूत होते थे, इनकी गुजारा बहुत होती थी, वहाँ कुछ कमी नहीं रहती थी, अब इनकी गुजारा की कमी नहीं है, लोग भी इतनी मजबूत नहीं है। पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे मशायर अपनी गुजारा को कम किया करते थे, तो मेरे भाई मालूम होना चाहिए उस जमाने की कमी गुजार की हमारी दो उम्र के बराबर होती थी, उनकी गुजारा इतनी होती थी कि हम दो वक्त का खाना खाते थे, एक वक्त का खाना होता वो होता था, तो हमारा दो वक्त का खाना होता है वो खुदा होता था, तो अगर गुजार कम करते थे जब आदमी का नफ्स भूखा है तो उसके साथ आदत सहरा है, और जब आदमी का नफ्स सहरा होता है तो सारे आदत भूखे होते हैं। नफ्स अगर सहरा है सारे आदत भूखे हैं, बोलना काम नहीं करेंगे, और अगर नफ्स भूखा है सारे आदत सहरा है तो फिर नफ्स क्या करेगा, भूखा है तो उसको गर्मी होगी वो रोकेगा, फिर उसको पेट भरने की फिक्र है, लेकिन अगर वो पेट भरा हुआ है तो पेट भरे को पूरी आदत है, पूरी बातें, पूरी शहवत की चीजें उसके सामने आती है और वो उसमें रखता है। आदमी को शहवत को पूरा, शहवत को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मशाय उसके लिए तरीका क्या है शहवत को रोकने के लिए करना चाहिए। देखो जो हराम चीज है उसको तो देखने बचना ही चाहिए, लेकिन जो हलाल है उसको देखने से भी बचना चाहिए। अब देखो अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से निकाला तो उसने कहा मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आपके बंदों को गुमराह करूंगा, चार चीजें उसने बताई, चार तरफ से मैं आऊंगा और तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। दो चीजों चेहरा चलना ही गुमराह, ऊपर से और नीचे से आने से उसने कहा कि ऊपर से भी आऊंगा नीचे से भी आऊंगा, यही कहा, बोला कि ये दो रास्ते अल्लाह ने इबादत के लिए बात रखे। किस तरह बात रखे, आदमी चलता है
चलते हुए अगर ऊपर देखता है तो सामने वाला नहीं दिखता, चाहे किसी से टकराएगा कहीं गिर जाएगा, लिहाजा एक चीज बात करें कौन सी नीचे वाली। दो चार दिन से तबीयत भी आ गई है।
Amin.
Amin.